स्ट्रिक्ट होने वाली हैं आप या बहुत ही लीनियंट और इजी जज होने वाली? आप मुझे जानते हैं, आपको क्या लगता है मैं स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ? लेकिन कभी कुछ मामलों में तो हो सकती नहीं, आई थिंक ये एक मनोरंजक शो है, रोमांस और डांस का मिश्रण है, एंड आई फील कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी देयर टू एंजॉय माई सेल्फ. मुझे डांस का बहुत शौक है, रोमांस का भी शौक है, सो आई थिंक इट्स द परफेक्ट प्लेस टू बी. और मज़ेदार होगा, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आने वाले, सबको ज़्यादा उनके डांस से ज़्यादा आई थिंक उनकी पार्टनरशिप, जो उनकी रिलेशनशिप है उससे भी ध्यान में रखना होगा. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल शो. बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट भी भरपूर होगा. जज कहते हैं ना कि एक जज की आंखें बहुत कुछ देखना चाहती हैं, फिर भी कोई ऐसी एक यूनिक चीज सोनाक्षी जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन आइडल में भी आपने जज कर चुकी हैं जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि लोग किस तरीके से देखेंगे? वो काफी अलग था. आई थिंक वो बच्चे थे तो आई फील मेरे लिए भी ज्यादा आसान था, क्योंकि आई रियली गेट अलॉन्ग वेल विद चिल्ड्रेन. यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी, और आई थिंक उनके लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जहाँ मैं एक डांस रियलिटी शो जज करने वाली हूँ. एंड ये हमारे आई थिंक हमारे देश का सबसे चहीता और सबसे पुराना डांस रियलिटी शो है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट. और इसे मैं कैसे देखती हूँ, आई थिंक एज एन मोर देन, जैसा कि मैंने कहा, मोर देन डांस, आई थिंक जो एक पार्टनरशिप बनती है जब दो लोग साथ में नाचते हैं, उनकी जुगलबंदी, उनका तालमेल, एंड हाउ वेल दे डू ऑफ कोर्स, सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी. जब ऑफर हुआ तब आपने जानना चाहा था कि जूलिया कैसी है? बिल्कुल, बहुत शादीशुदा है, किस तरीके की जूलिया? यू नो व्हाट, ये शो की ब्यूटी ये है कि मतलब एकदम यंग कपल से लेकर एकदम 50 साल की शादी वाले कपल्स भी है इसमें. आई फील कि यू नो इट्स ब्यूटीफुल टू सी कैसे हर किसी के रिलेशनशिप अलग अलग होते हैं. ऐसे कुछ कपल्स हैं जो अभी अभी न्यूली साथ में यू नो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ कपल्स हैं जो मतलब 20 साल की शादी हो चुकी है उनकी. तो टू सी द इक्वेशन बिटवीन दीज पीपल विल बी वंडरफुल, एंड यू नो टू शेयर द स्पेस विद टेरेंस और मोहित सूरी जो इस बार मेरे साथ जज बने हैं. आई थिंक इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस. जी एक्चुअली क्यूरियोसिटी, आपका सवाल पहले का था, क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा थी जब मुझे अप्रोच किया गया था ये शो के साथ. एंड यू नो आई रियली वांटेड टू नो कि कौन होने वाले कपल्स, एंड जब मुझे पता चला तो आई वाज रियली हैप्पी, बिकॉज ये टेलीविजन के बहुत सारे पॉपुलर सितारे हैं, एंड लाइक आई सेड अलग अलग स्टेजेस इन देयर रिलेशनशिप में है, तो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो द एंटायर लिस्ट. सिंगिंग का भी बहुत शौक है मुझे, डांस भी. मैंने अब एकदम फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है, बट क्योंकि मुझे शौक है मैं कर पाती हूँ. आपने बहुत काइंडली कहा कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ, थैंक यू फॉर दैट. एंड लोगों को भी लगता है कि मैं डांस कर सकती हूँ, तो आई फील दैट इट्स अ गुड फिट मेरे लिए, एंड आई विल बी एबल टू से बेटर कि यू नो डांस के ऊपर भी थोड़े बहुत कमेंट में दे पाऊंगी, एंड आई थिंक थोड़ी एक्सपीरियंस है भी मेरे मुझ में, सो आई फील इट्स अ लवली फिट फॉर मी. बट मैं कर चुकी हूँ. नहीं, आई थिंक हमेशा जब भी मैं कोई काम करती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे रहता है कि मैं रियल रहूँ, आई शुड बी माई सेल्फ, एंड आई थिंक क्योंकि लोग उससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. अगर मैं किसी और की तरह बनने जाऊँ या किसी और स्टाइल कॉपी करूँ, आई डोंट थिंक वो मैं कर भी नहीं सकती हूँ, और आई थिंक वो काम भी नहीं करेगा. सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ. तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं देखती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आए मैं वो कह देती हूँ, एक्चुअली मेरे फेस पे दिख जाता है, तो आई फील आंखें आंखें बोल देती है. स्टाइलिंग आपकी ना बहुत ज़्यादा, जिसको थिरकते हुए देखना है आप, बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है. और किसी को पर्सनली जानते हो? Not really. I don't know anybody personally. But honestly, जज होने के नाते ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा. तो आई थिंक शो पर जाकर इनको देखने के बाद ही ये सब पता चलेगा. बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो. एंड या वॉट अबाउट,
जी हाँ, स्टाइलिंग आपकी, मतलब इस शो में स्टाइलिंग कितनी ज्यादा आपकी देखने मिलेगी, आप खुद पर्सनली इसमें ध्यान देंगे? ऑफ कोर्स, आई थिंक हर शो में देना पड़ेगा. एंड आज भी हमारा फोटोशूट था, एंड यू नो फॉर द फर्स्ट कैंपेन ऑफ नच बलिए सीजन 8, और मुझे स्टाइल किया गया है मोहित राय ने, जो मेरे स्टाइलिस्ट हैं, एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब विथ मी. आई थिंक पिछले कुछ महीनों में जो एक स्टाइल एवोल्यूशन आपने देखा होगा और जो आप लोग लिखते हैं उसके बारे में, वो यू नो इनकी बदौलत है. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग फैशन वाइज. तो येस, आपको बहुत अलग अलग लुक्स देखने मिलेंगे नच बलिए में भी, एंड लुक से ज़्यादा आई फील होपफुली डांस भी देखेगा. जी बहुत एक्साइटमेंट है अभी फिलहाल. यू नो सारे प्लान बन रहे हैं, कहाँ कहाँ जाना है, टू सिटी विजिट्स, आप सबके साथ इंटरेक्शंस, वो सब का प्लान बन रहा है. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि नूर एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट. अरे शो तो शुरू होने दो, तब पता चलेगा. आई थिंक मुझे एक मेरे डैड का तकिया कलाम मानना पड़ेगा, खामोश. सुना कि आमतौर पर जब जज की बात होती है तो लोगों को लगता है कि जज का काम बड़ा आसान होता है, वो कुर्सी पे बैठ नहीं जज नहीं करते बिल्कुल नहीं. बट आपको क्या लगता है कि शेड्यूल जो जज का होता है वो उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना पार्टिसिपेंट स्टेज पे परफॉर्म करता है? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक क्योंकि हम सब लोग जो शो के साथ इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ हम जो पर्दे के आगे हैं, जो लोग पर्दे के पीछे भी होते हैं, जो हमारे बैक स्टेज काम करते हैं, हमारी पूरी यूनिट प्रोडक्शन, सबके जॉब मतलब जिस टाइम पर शुरू होते हैं उसी टाइम पर ख़त्म होते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑल, सिर्फ हम आपको दिखते हैं बट उतनी मेहनत शो के पीछे भी जाती है. एंड यू नो एवरीबडी वर्क्स वेरी वेरी हार्ड. एंड हाँ, थोड़ी स्ट्रेनियस तो है बट इट्स मैनेजेबल, इट्स फन एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो नो कंप्लेंट्स. जी मैं उनको विश कर लूँगी. थैंक यू.